इंडिया का ईडी यानी कि भारत के एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने एक और नोटिस भेजा वजीरेक्स को। एक तरफ देखे तो क्रिप्टो करेंसी और उसके प्रोजेक्ट्स को यहाँ डिप्रेस किया जा रहा है, लेकिन दूसरी साइड देखे इंडिया में ही एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे पहला क्रिप्टो फ्रेंडली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो बैंक्स की तरह काम करेगा और ये आपको लोन देने वाला है क्रिप्टो करेंसी को परचेज करने के लिए। यानी कि जहाँ सरकार, RBI, ED इस तरीके के जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं वो क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड क्या है कि यहाँ कुछ ऐसे बैंक्स भी इमर्ज हो रहे हैं जो क्रिप्टो करेंसी को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं या लोन्स देने के लिए भी रेडी हैं। इसी के साथ एक और न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है कि टिकटॉक अभी बैन कर रहा है ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को जो क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट कर रहे हैं। आपने भी टिकटॉक या फिर इंस्टाग्राम जैसे बहुत से एप्लीकेशंस देखे होंगे जहां कुछ ना कुछ एड्स आती रहती है, जैसे कॉइन डी सेक्स कॉइन स्विच कुबेर की, जिन एड्स में बिटकॉइन को प्रमोट किया जाता है और आपको बोला जाता है कि 100 रुपए का बिटकॉइन आपको फ्री में मिल रहा है। तो इन तरह की सभी एड्स को ब्लॉक किया जा रहा है। और वैसे भी अगर हम ओवरऑल मार्केट देखें तो इस वक्त बहुत बड़ा डंप चल रहा है, जो बिटकॉइन है अभी $30,000 के आसपास जा रहा है एंड वापस ये हो सकता है कि $29,000 तक जाए, जिस कारण सभी ऑल्टकॉइंस बहुत बुरे तरीके से ब्लीड हो रहे हैं। सभी का प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है, करीब 15% से लेकर 20% तक। तो इसके पीछे भी कई सारे कारण हैं, जैसे कि इथेरियम के फाउंडर जो हैं उन्होंने भी इस इंडस्ट्री को एग्जिट करने का सोच लिया है। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला आपके लिए। इस वीडियो को स्किप मत करना और इस वीडियो को अभी से लाइक कर दो और हमारे चैनल वॉल ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि अब तक हर एक अपडेट, हर एक नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस बैंक के बारे में जो लोन्स देने के लिए रेडी है। वैसे RBI प्राइवेट वर्चुअल क्रिप्टो करेंसीज को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन एक बैंक है कैशा के नाम से जो लॉन्च करने जा रहा है ऐसे बैंकिंग ऑपरेशंस जिसमें वर्चुअल करेंसीज का लोन दिया जाएगा और ये सब शुरू होने वाला अगस्त से आप बिटकॉइंस को लोन पर ले पाएंगे। तो कैशा ने अपना एक यूनिकास नाम से बैंक शुरू किया है जो वर्ल्ड का सबसे पहला क्रिप्टो फ्रेंडली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। इस बैंक में आपको यहाँ क्रिप्टो और फिएट दोनों की सर्विसेज मिलने वाली हैं, लेकिन जो सेविंग अकाउंट रहेगा वो एक ही रहेगा, यानी कि एक अकाउंट के अंदर आपकी हर तरह की क्रिप्टो करेंसी और फिएट करेंसी भी रहने वाली है। लेकिन उम्मीद ये बन रही है कि शायद विंटर सेशन में जल्दी एक क्रिप्टो बेस्ड लॉ भी आने वाला है इंडिया का। वैसे अगर हम देखें ओवरऑल जो बाकी के बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको सपोर्ट नहीं मिल रही है RBI की तरफ से क्रिप्टो करेंसीज की डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स को एक्सेप्ट करने के लिए, तो जो यूनिकास नाम से ये बैंक है क्रिप्टो बेस्ड, ये शायद शॉर्ट पीरियड के लिए रहेगा, लेकिन अगर अच्छे रेगुलेशंस आते हैं तो लॉन्ग टर्म तक भी चल सकता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी जो अभी बिल्कुल नई अपडेट आई है वो है कि ED ने एक और नोटिस भेजा है वजीरेक्स को, क्योंकि वजीरेक्स डिमांड कर रहा है कि जितने भी क्रिप्टो वॉलेट्स हैं उनमें जो भी करेंसी आती है वो अंडर फेमा एक्ट ना आए। तो इसके पीछे मेनली रीज़न ये है कि यहाँ ED का मानना है कि हो सकता है कि जितना भी पैसा वो इलीगल हो या फिर लॉन्ड्रिंग के लिए यूज़ किया जा रहा हो या फिर हो सकता है कि टेरर फंडिंग के लिए यूज़ किया जा रहा हो, लेकिन इन वॉलेट से जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो टोटली फ्री रहती हैं बिना किसी चेक के और यहाँ जितने भी कॉइन्स ट्रांसफ़र होते हैं वो इंस्टेंटली होते हैं। यही कारण है कि ED को इस चीज़ से कंसर्न है कि यहाँ क्रॉस बॉर्डर बहुत सी ट्रांजैक्शंस होती हैं। इससे पहले भी ED ने वजीरेक्स को नोटिस भेजा था जब 2700 करोड़ की ट्रांजेक्शन सीट उनको लेकर एक माना गया था कि वायलेशन की जा रही है रूल्स की, लेकिन हमेशा की तरह वजीरेक्स ने यह कहा कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो अंडर कंट्रोल रहती हैं, या फिर अगर हम बात करें KYC की, आइडेंटिटी की, वो सब कुछ पहले लिया जाता है तभी यहाँ ट्रांसफर्स पॉसिबल हो पाते हैं। तो वजीरेक्स अपनी जगह सही है, लेकिन अगर फेमा इस तरीके से सिर्फ वजीरेक्स को यहाँ बोलता है तो हो सकता है कि सभी एक्सचेंजेस के ऊपर इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़े और जो भी हमारी करेंसीज रहेंगी वॉलेट्स में वो अंडर इन्वेस्टिगेशन हो सकती हैं, अंडर स्क्रूटनी हो सकती हैं, क्योंकि इनकी पूरी जाँच की जाएगी ED के द्वारा। तो अभी हम थोड़ा सा मार्केट का जायजा ले लेते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ बिटकॉइन $30,700 के आसपास चल रहा है अभी, इथेरियम का बहुत बड़ा ड्रॉप चल रहा है, करीब $1,800 तक जा चुका है। अगर हम बाकी कॉइन्स की बात करें जैसे कि BNB है, कार्डानो है, इवन डॉज की बात करें वापस फिर से वो जितना कल इंक्रीज हुआ था 8-9% उतना ही नीचे आ चुका है आज के दिन। तो यहाँ सभी कॉइन्स बहुत बुरे तरीके से ब्लीड कर रहे हैं। अगर हम बात करें सोलाना की सिर्फ $24 का रह गया, लाइट कॉइन जो आज से करीब 7 महीने पहले $100 क्रॉस कर चुका था आज भी वही $110-113 के पास पहुंच चुका है। तो मार्केट के जो सेंटीमेंट्स है बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं इस वक्त। एंड वैसे भी अगर हम बात करें अनलॉक की जो GBTC का चल रहा है वो रेगुलर बेसिस पर चलने वाला डेली, जब तक 44,000 BTC ट्रस्ट अनलॉक नहीं हो जाते, और वैसे भी कल हमने देखा था 16,000 BTC अनलॉक हुए थे, तो पूरे 12 AM एक छोटा सा इंक्रीज दिखा था $1,000 का BTC में। तो इस वक्त मार्केट भीड़ होने के पीछे कई सारे कारण हैं, लेकिन अगर हम मेजर रीज़न की बात करें तो जो इथेरियम के कोफाउंडर हैं एंथनी डी लोरियो, उन्होंने क्रिप्टो इंडस्ट्री को क्विट करने का सोच लिया है। तो उनका मानना यह है कि ये पूरी की पूरी रिस्की इंडस्ट्री है और अभी उनको इंडस्ट्री के साथ कुछ भी एंथुसिएशन नहीं है।
क्योंकि जब से बहुत बड़ा डंप चल रहा है, यहाँ तक कि जितने भी स्पेकुलेटर्स हैं उनको भी कुछ इंटरेस्ट नहीं रहा क्रिप्टो के इंडस्ट्री के साथ, और बहुत से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जो प्रोजेक्ट्स के साथ काम कर रहे थे वो भी इस इंडस्ट्री को धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल कंट्रीज की गवर्नमेंट्स की बात करें तो वो इस चीज को किसी ना किसी तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं, चाहे वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ला रहे हैं या फिर कुछ लॉ बनाकर आ रहे हैं। तो जब से ये न्यूज आई तब से और भी बुरा इम्पैक्ट पड़ा है पूरे के पूरे क्रिप्टो मार्केट के ऊपर। इससे पहले जो डॉजकॉइन के फाउंडर थे जैक्सन पाल्मर, तो उन्होंने भी यही कहा कि वो क्रिप्टो इंडस्ट्री को लीव कर रहे हैं। तो इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि बहुत से इन्वेस्टर्स ने एक अच्छी खासी रकम बना ली है पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री से, बहुत ज़्यादा अमाउंट कमा लिया है। इवन लॉन्ग करके भी यहाँ अभी एक ऐसा समय आया था जिसमें आप शॉर्ट करके भी बहुत बड़ी इनकम कमा सकते हो। आज भी अगर आप शॉर्ट करते हो बिटकॉइन में तो आज भी आप अच्छी इनकम कमा सकते हैं। तो आपके क्या मानना है इन सभी के बारे में कृपया नीचे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो आपको किस कॉइन के ऊपर चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, ये भी नीचे कमेंट कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। टेलीग्राम के साथ जुड़ना मत भूले, क्योंकि वहाँ आपको हर एक अपडेट 24/7 मिलने वाली है, और आप टेलीग्राम ग्रुप में कोई भी डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी कॉइन के बारे में, कब बाय करना है, कब सेल करना है, ये दोनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो खत्म होने से पहले हमारे चैनल वॉल्फ ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक हर एक अपडेट टाइम टू टाइम पहुँच रहे। धन्यवाद।